नमस्कार, डीएल एट के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु माथुर। आज हम पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के प्रकार, संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन के विषय में चर्चा करेंगे। संरचनात्मक मूल्यांकन की अवधारणा को समझने के लिए यह जानते हैं कि इसका मुख्य प्रयोजन छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया से सक्षम बनाना है, जो बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति में उनकी मदद करता है। इसे सीखने के लिए आकलन या निर्माणात्मक आकलन या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्माणात्मक या रचनात्मक, यह बच्चे की सृजन को बढ़ावा देता है तथा उसके निर्माण में सहायता करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इसके उद्देश्य छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करना, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करना, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना तथा बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायता करना है। यह बच्चों की प्रगति में सहायक है तथा शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे की अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ और ज्ञान कितने ग्रहणीय हैं तथा बच्चे ने कहाँ इसको ग्रहण करने में चूक की है। यह रिक्तता को पहचानता है तथा अधिगम अंतराल को भी सुनिश्चित करता है। संरचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है, जिसके द्वारा अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। संरचनात्मक आकलन का उपयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है। संरचनात्मक आकलन छात्रों के आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति करने के लिए मार्ग बनाता है। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल करता है। अब योगात्मक मूल्यांकन के विषय में जानते हैं, जो इसका पूर्णांक है। इसका प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम बनाना है। यह उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण है। संकलात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट या समेटिव एवेल्यूशन। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है, उपलब्धि परीक्षणों द्वारा या निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा पूर्ण किया जाता है। यह छात्र को क्या आता है और वो क्या नहीं जानता है, या छात्र क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, यह निर्धारित करता है। छात्रों को क्या कठिन लगता है तथा इसको किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है, किसी भी अंतर और छात्र के हो सकने वाली गलतफहमियों को प्रदर्शित करता है। सीखने के स्पष्ट लक्ष्यों की चर्चा करते हुए छात्र के साथ संवाद स्थापित करता है। छात्र का अपने लक्ष्य के प्रति सक्रिय होना भी इसी तरह पूर्ण किया जा सकता है। संरचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को बताता है कि उनसे क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है तथा अपनी पढ़ाई में वे इस समय किस स्तर पर हैं, वे किस प्रगति में काम कर रहे हैं, अर्थात उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। जबकि योगात्मक मूल्यांकन उन्हें इस लक्ष्य के कैसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं, उन्होंने परिणाम हासिल कर लिए हैं या नहीं, यह प्रदर्शित करता है। अब हम इसे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट से समझने की कोशिश करते हैं। यदि लाल लाइट है या छात्र कह रहा है उसे यह समझ में नहीं आया है, तब शिक्षक को रुककर यह जानना चाहिए कि शिक्षा में कहाँ अंतराल आया है या रिक्तता रह गई है, जिसे लर्निंग गैप कहा जाता है। छात्र को येलो लाइट में समझने में मदद चाहिए, अर्थात शिक्षक को रुककर छात्र की मदद करनी चाहिए। इसके लिए छात्र अलग अलग उपकरणों तथा मूल्यांकन अनुदेशन की अलग अलग प्रक्रियाओं का उपयोग करके मदद कर सकता है। आखिरी में छात्र यह कह सकता है कि वह समझ गया है तथा वह स्वयं कर सकता है। अब शिक्षक आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो सकता है। इस तरह ट्रैफिक सिग्नल की ये लाइट यह समझाती है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किस तरह किया जाता है। छात्र को जहाँ समझ नहीं आया है, वहाँ शिक्षक को छात्र की मदद करनी चाहिए, रुकना चाहिए तथा उसको अन्य छात्रों के समकक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह इस चित्र के माध्यम से आप समझते हैं कि छात्र की दृष्टिकोण से क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है,
तथा लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं या पढ़ाई में वे इस समय किस स्तर पर हैं यह प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शिक्षक के अनुसार छात्रों की क्षमता और सुधार की आवश्यकता, सुधार के लिए योजना तथा सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। यह प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए दोनों के दृष्टिकोणों पर संपूर्ण ध्यान देना तथा दृष्टिकोणों पर सकारात्मक अवलोकन तथा चिन्हित करना इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है सूचना या प्रमाण एकत्रित करना या उनका अभिलेखन करना। छात्रों के प्रति किए गए अवलोकनों से, मूल्यांकन के उपकरणों से यह ज्ञात किया जाता है और यह सूचना एकत्रित की जाती है कि छात्रों में क्या कमी है तथा वो किस स्तर पर पहुँचे हैं। इसके बाद प्रमाणों की व्याख्या की जाती है जो यह बताते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकनों के परिणाम किस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। आखिरी में सुधार के लिए योजना बनाई जाती है जो छात्रों के सुधारों को प्रदर्शित करती है या सुधारात्मक अनुदेशन की ओर शिक्षक को बढ़ाती है। एक शैक्षिक अवधि पर छात्र की शिक्षा, ज्ञान, प्रवीणता या सफलता का मूल्यांकन करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इस तरह रचनात्मक मूल्यांकन एवं योगात्मक मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक होते हुए शिक्षण अवसर को और शैक्षिक अवधि में पूर्ण करने में मदद करते हैं। आकलन की पूरी प्रक्रिया शिक्षा के सत्र में इस तरह फैली हुई है, जिसमें 4 फॉर्मेटिव या संरचनात्मक असेसमेंट या संरचनात्मक मूल्यांकन होते हैं तथा 2 समेटिव या योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। चारों संरचनात्मक मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लिखित परीक्षा भी ली जाती है। प्रत्येक रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट में छात्रों के अंतिम रिपोर्ट कार्ड में 10% का वेटेज होता है। इस तरह कुल 40% का वेटेज चारों रचनात्मक मूल्यांकनों को मिलता है। 2 समेटिव असेसमेंट या समेकित मूल्यांकन अथवा योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। पहले योगात्मक मूल्यांकन को अंतिम रिपोर्ट में 20% का वेटेज दिया गया है, जबकि दूसरे योगात्मक मूल्यांकन को 40% का वेटेज मिलता है। इस तरह पूरी प्रक्रिया 2 और 2 4 रचनात्मक असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिनको 10% का वेटेज है तथा 2 योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट जिनको 20 तथा 40% का वेटेज दिया गया है, कुल 100% के वेटेज के साथ रिपोर्ट कार्ड पर परिलक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त 2010 से बच्चों के पास ये भी विकल्प है कि वे इस बात का चुनाव कर सकें कि वह बोर्ड की समेटिव परीक्षा में बैठेंगे या स्कूल की। इस तरह यह प्रक्रिया रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन को संपूर्ण शैक्षिक सत्र में छात्रों के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख मानदंड है। आकलन प्रक्रिया को चित्र से समझने के लिए हम देखते हैं कि छात्र सत्र के शुरुआत में FA1 जिसको रचनात्मक मूल्यांकन प्रथम, FA2 रचनात्मक मूल्यांकन द्वितीय, SA1 अर्थात योगात्मक मूल्यांकन प्रथम जिसको कि 20% का वेटेज है, FA3 अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन तृतीय 10%, FA4 रचनात्मक मूल्यांकन चतुर्थ 10% और SA2 या समेकित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन जिसका 40% वेटेज है। इस तरह संपूर्ण सत्र में आकलन प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद इसकी ग्रेडिंग सिस्टम को 5 अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। A+ अर्थात श्रेष्ठ, A अर्थात उत्कृष्ट, B बहुत अच्छा, C अच्छा, D सुधार के लिए स्कोप। इस तरह से छात्रों को वर्गीकृत कर बताया जाता है कि रचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन में उनका निष्पत्ति किस तरह का रहा है। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन तथा संकलनात्मक मूल्यांकन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक कौशलों का विकास करना या उनमें मदद करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना तथा याद पर जोर देना, उपचारात्मक निर्देश के द्वारा नियमित निदान के आधार पर छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना, प्रदर्शन के वांछित स्तर को बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में कार्य करना। किसी भी कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या प्रभावशीलता को भी यह निर्धारित करता है। शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया और सीखने के माहौल के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि के लिए भी यह कार्य करता है।
मूल्यांकन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनने का भी कार्य करता है। कक्षा के पाठ्यक्रम के एक हिस्से या पूर्ण हो जाने के बाद बच्चों को प्राप्त किए गए मूल्यांकन को निर्धारित किया जाता है। इसके आयामों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके कई तरह से आयाम निर्धारित किए गए हैं जिनको शिक्षक सुविधानुसार अपना सकते हैं तथा रचनात्मक एवं युवकात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इन आयामों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला आयाम अनौपचारिक बनाम औपचारिक आयाम है। अनौपचारिक बनाम औपचारिक, जैसा कि शब्द से ही परिलक्षित होता है कि अनौपचारिक आयामों में छात्रों को किसी भी तरह का अनौपचारिक कार्य दिया जाता है, जबकि औपचारिक में छात्रों को गृह कार्य में ज़्यादा सृजनात्मक चीज़ें नहीं दी जाती हैं। इस तरह सृजनात्मकता को बढ़ावा देना या केवल किताबी ज्ञान की ओर आकृष्ट करना शिक्षक के हाथ में होता है। पाठ्यक्रम बनाम स्टैंड अलोन, पाठ्यक्रम से या पाठ्यक्रम के बाहर, पाठ्यचर्या के किसी हिस्से से या उसके बाहर भी शिक्षक छात्रों का अवलोकन तथा मूल्यांकन कर सकते हैं। स्वैच्छिक बनाम योजनाएँ, छात्र द्वारा स्वेच्छा से किया गया कार्य या योजना रूप में किया गया कार्य मूल्यांकन का आयाम होता है। व्यक्तिगत या समूह, व्यक्तिगत कार्यों में छात्रों की योग्यता अथवा समूह में उनकी भागीदारी, नेतृत्व के गुण आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है। मौखिक बनाम लिखित, यह परीक्षा का प्राचीनतम तरीका है तथा मौखिक तथा लिखित परीक्षा से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ग्रेड किए गए कार्य या अनग्रेड कार्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त ओपन एंडेड रिस्पॉन्स या बंद, जिसमें कि छात्रों के किए गए रिस्पॉन्स जिनका कि कोई अंत नहीं है या सीमा नहीं है, सीमा रहित कार्य है, या बंद जिनकी कुछ सीमा तय की गई है जिसमें समय सीमा या उनकी सृजनात्मकता की सीमा हो सकती है। शिक्षक नियंत्रित या छात्र नियंत्रित आयाम, शिक्षक द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम या छात्र द्वारा किए गए कार्य भी मूल्यांकन के अलग अलग आयाम हो सकते हैं। शिक्षक और छात्र बनाम साथियों, शिक्षक या छात्र के साथ किया गया कार्य या सहपाठियों या सह शिक्षकों के साथ किए गए कार्य भी मूल्यांकन का आधार होते हैं। प्रक्रिया उन्मुख या कार्य उन्मुख अथवा उत्पाद उन्मुख मूल्यांकन, जिसमें प्रक्रिया को मूल्यांकित किया जाता है, जैसे कि रचनात्मक मूल्यांकन। इसके विपरीत उत्पाद उन्मुख में कार्यक्रम में उपलब्धि परीक्षण द्वारा या निष्पत्ति परीक्षण द्वारा अंतिम लक्ष्य अर्थात शिक्षा में उपलब्धियों को आंका जाता है। संक्षिप्त बनाम विस्तारित में, कुछ संक्षिप्त प्रश्नों द्वारा या संक्षिप्त कार्यों द्वारा मूल्यांकन या विस्तारित प्रश्न अथवा विस्तारित कार्यों द्वारा मूल्यांकन सम्मिलित होता है। शिक्षक समर्थित अथवा स्वतंत्र, इस तरह के कार्य शिक्षक द्वारा समर्थित सुनियोजित योजनाओं पर आधारित होते हैं तथा स्वतंत्र कार्य छात्रों की स्वेच्छा पर आधारित होते हैं। अब हम जानते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है, किस तरह इनको विभाजित किया जा सकता है। संरचनात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन है। अर्थात सीखने के लिए आकलन में पढ़ाते समय जांच, मार्गदर्शन, पुनः पढ़ाना, पुनः जाँच और मार्गदर्शन, फिर पढ़ाना, जाँच और मार्गदर्शन, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जबकि सीखने के आकलन या योगात्मक मूल्यांकन में शिक्षा के बाद सिर्फ उपलब्धि परीक्षण या निष्पक्ति परीक्षण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह अंतर हम जान सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन सतत होने वाली प्रक्रिया है, जबकि सीखने के आकलन या योगात्मक मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया को परिलक्षित करते हैं। दूसरा अंतर है, रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति करने के लिए बनाए जाते हैं। छात्र किस तरह प्रगति कर रहा है यह निश्चित किया जाता है तथा दृष्टिकोण को विस्तारित किया जाता है, जिससे छात्र की प्रगति को रिकॉर्ड किया जा सके। दूसरी ओर संकलनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के उपलब्धि और कार्यों के प्रदर्शन की पहचान की जाती है तथा उनकी ग्रेडिंग की जाती है, जिससे यह जाना जा सके कि छात्रों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों को कहाँ तक पूर्ण किया है। अब संरचनात्मक मूल्यांकन नैदानिक और सुधारात्मक होते हैं, जिसमें छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है तथा उन्हें सुधारात्मक अनुदेशन दिए जाते हैं। यह छात्रों के सृजन शक्ति को बढ़ावा देते हैं तथा छात्रों में रचनात्मक सुधारों को प्रोत्साहित करते हैं। जबकि योगात्मक मूल्यांकन अधिगम का मूल्यांकन करते हैं तथा छात्रों की उपलब्धि को दर्शाते हैं।
यह भी छात्रों की सृजनात्मकता को प्रेरणा देने का कार्य है, लेकिन यह रचनात्मक मूल्यांकन के विपरीत छात्रों का समेकित मूल्यांकन करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकनों में कम सामग्री दी जाती है, अर्थात चूंकि वह शिक्षा सत्र में 4 चरणों में होते हैं, कुछ पाठ सामग्री के साथ ही रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में संपूर्ण सामग्री को रखा जाता है, जो कि शिक्षा सत्र के अंत में पूरे सत्र की पढ़ाई के बारे में निष्पत्ति का परीक्षण करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन है, जिसमें छात्र में रचनात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा दिया जाता है। यह शिक्षक, छात्र, सहपाठियों, अभिभावकों, पालकों एवं समुदाय तथा सह शिक्षकों के योगदान से संभव होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन उत्पाद के रूप में छात्रों का मूल्यांकन है, जो छात्र की उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। अब हम इसके उदाहरणों के विषय में चर्चा करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन किस तरह कार्य करता है, यह जानते हैं। एक पाठ का उदाहरण लेते हैं, स्वच्छ घर स्वच्छ गांव या स्वच्छ भारत के लिए घर से हो शुरुआत। इस पाठ की इकाई परिचय के बाद शिक्षक को किस तरह के संरचनात्मक मूल्यांकन एवं योगात्मक मूल्यांकन के साथ साथ निदानात्मक मूल्यांकन की क्या परिकल्पना करनी चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। छात्र को एक बार इकाई परिचय देने के बाद शिक्षक उन्हें अलग कार्यों में संलग्न कर सकता है, जैसे विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लेखन, स्वच्छ भारत पर लघु फिल्म दिखाना, स्वच्छता कार्यक्रम, दैनिक दिनचर्या में अस्वस्थ आदतों को समाप्त करने की कोशिश करना। इस तरह के कार्य छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको पृष्ठ पोषण, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षक निरंतर साफ सफाई और परिस्थिति सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वच्छता क्रियाकलाप जैसे कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, मैदान या बगीचों इत्यादि में की जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्ताह में 2 बार साफ सफाई अभियान को चलाया जाना, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और माता पिता सभी हिस्सा लें, यह सुनिश्चित किया जा सकता है। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर करते हुए खुद के स्वास्थ्य के प्रति सोच और स्वभाव में परिवर्तन संरचनात्मक मूल्यांकन में जांचा जाता है। स्वास्थ्य कर साफ सफाई की प्रक्रियाओं का पालन छात्र कितना कर रहा है, यह भी रचनात्मक मूल्यांकन का अंग है। साफ सफाई के प्रति उसकी जागरूकता किस हद तक बढ़ी है या उसने क्या सीखा है, यह भी जाना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वह क्या मदद करता है, यह भी रचनात्मक मूल्यांकन का अंग हो सकता है। इसके अतिरिक्त निष्पत्ति परीक्षण द्वारा यह जाना जाता है कि छात्र ने पर्यावरण शिक्षा के सभी गुणों को किस तरह ग्रहण किया है। आज हमने पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के प्रकारों को, जिसमें संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन है, के बारे में चर्चा की। संरचनात्मक मूल्यांकन जहां छात्रों के निर्माण में मदद करता है, वहीं योगात्मक मूल्यांकन शिक्षक को यह बताता है कि छात्र ने पूरे सत्र में क्या सीखा है, जो अपेक्षित लक्ष्य छात्रों के लिए रखे गए थे, क्या उनकी उपलब्धि हुई है या नहीं। इसमें हमने जाना कि आकलन की प्रक्रिया क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं, आकलन किस तरह किया जाता है, प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं तथा आकलन को प्राप्त करके किस तरह छात्रों का नवनिर्माण किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन चूंकि एक मूल्यपरक शिक्षा है तथा यह आवश्यक है कि छात्रों को यह बताया जाए कि पर्यावरण उनके जीवन में किस तरह अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण के तीनों घटक जैविक, भौतिक और सामाजिक छात्रों के पर्यावरण का निर्माण करते हैं तथा आजीवन उसके संवर्धन तथा संरक्षण में काम करने की आवश्यकता है। आज की परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।